का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा होम साइंस बी ए सेकेंडरी की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे कताई यानी कि सूत निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। पिछली क्लास में हमने कताई कैसे की जाती है, किस प्रकार से सूत का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कताई के प्रकार यानी कि किन किन प्रकारों से की जाती है। तो कताई के दो प्रकार हैं, पहला हो जाएगा यांत्रिक कताई और दूसरा हो जाएगा रासायनिक कताई। तो कताई दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और रासायनिक। अब यांत्रिक कताई भी अगर देखा जाए तो वापस दो भागों में बांटी गई है, जिसमें पहला है परंपरागत विधि दूसरा यहां आ जाता है हमारे पास सामान्य यांत्रिक विधि। अब ये दो प्रकार हैं जिसके आधार पर यांत्रिक कताई की जाती है, परंपरागत विधि के आधार पर और सामान्य यांत्रिक विधि के आधार पर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत विधि, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि परंपरागत तरीके से दो प्रकार से सूत का निर्माण होता है, एक तकली के माध्यम से और एक चरखे के माध्यम से। चरखा आप सभी ने महात्मा गांधी जो रहे हैं उनके हाथ में देखा होगा, तो महात्मा गांधी जो थे वो चरखे के माध्यम से सूत काटने का कार्य भी उनके माध्यम से दिखाया गया है, तो कई बार आपको देखने को भी मिला होगा। तो यही जो दो तरीके हैं परंपरागत विधि के रहते हैं, पहला आ जाता है यहाँ पर तकली और दूसरा आ जाता है चरखा। फिर हम पढ़ेंगे सामान्य यांत्रिक विधि के बारे में। सामान्य यांत्रिक जो विधि है उसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो रेशे की बनावट हो गई, रेशे की सूक्ष्मता हो गई या प्रयोजन यानी कि किस कार्य हेतु रेशों की आवश्यकता होती है, किस कार्य के लिए ये लिए जाते हैं, उन प्रयोजन के लिए जो काम में लेने हैं उसी के आधार पर उनकी उपभोक्ता की स्वयं की मांग रहती है। उपभोक्ता अपनी मांग करता है कि हमें इस कार्य के अनुसार वस्त्र या रेशे की आवश्यकता है, तो उसी के आधार पर रेशों की बनावट को बनाया जाता है यानी कि उनकी कताई की विधियों को उपयोग में लेते हैं। ये विधियाँ अगर देखी जाए सामान्य यांत्रिक विधि की तो छह विधियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है रिंग कताई, दूसरा हमारे पास में आ जाता है रिंग कताई के बाद में स्वयं ऐंठन देना, स्वयं ऐंठन वाली कताई, और तीसरी विधि जो रहती है खुली अंतिम कताई। चौथी विधि है घर्षण विधि। और जो पांचवी विधि है वो है ऐंठन रहित कताई। छठी लास्ट कताई जो रहेगी वो आ जाएगी बायो कंपोनेंट। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, कताई के दो प्रकार हैं, यांत्रिक कताई और दूसरी है रासायनिक कताई। सबसे पहले हम यांत्रिक कताई के बारे में जानेंगे। तो यांत्रिक कताई को दो भागों में बांटा गया है, पहली है परंपरागत विधि द्वारा और दूसरी है सामान्य यांत्रिक विधि द्वारा। परंपरागत विधि को यानी कि जो पुराने समय से तौर तरीके चले आ रहे हैं जिसके आधार पर सूत निर्माण किया जाता है, जिसमें पहली तकनीक रहती है तकली विधि द्वारा और दूसरी रहती है चरखा विधि के माध्यम से। फिर आ जाता है दूसरी सामान्य यांत्रिक विधि, जिसमें सामान्य तौर पर रेशों की जो वस्त्रों की जो मांग है वो उपभोक्ता पर डिपेंड करती है, उसी के आधार पर विभिन्न कताई विधियों को काम में लेते हैं, जिसमें सामान्य यांत्रिक कताई विधि छह प्रकार से हैं, जिसमें पहली है रिंग कताई, रिंग कताई के बाद में आ जाती है दूसरी स्वयं ऐंठन वाली कताई, तीसरी है खुली अंतिम कताई, चौथी है घर्षण विधि द्वारा कताई, पांचवी ऐंठन रहित कताई और छठी है बायो कंपोनेंट कताई।
अब अगर देखा जाए रिंग कताई जो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिंग कताई के बारे में। रिंग कताई में छोटे रेशे जो होते हैं उन रेशों को आपस में चिपकाया जाता है, यानी कि जब रिंग कताई की प्रक्रिया ली जाती है, ये जब कार्य किया जाता है तो इस कताई के समय छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं, वांछित व्यास और लंबाई को प्राप्त करके ये लंबे हो जाते हैं, यानी कि इनके लिए लंबे सूत का निर्माण इनसे किया जाता है। जैसे कि कपास और लीनन है या ऊन है, इन रेशों में आपस में चिपकने का गुण पाया जाता है। जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसमें सब रेशे जब निकलते हैं तो आपस में दबाव के माध्यम से वो चिपक जाते हैं और एक नए लंबे रेशे का निर्माण होता है। रिंग कताई को वापस से आगे अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली आ जाती है रिंग फ्रेम, दूसरी आ जाएगी हमारे पास में म्यूल फ्रेम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिंग फ्रेम कताई क्या है। ये भी मशीन के माध्यम से होने वाली जो कताई है, रिंग फ्रेम जो कताई होती है, इसका जब काम में लेते हैं तो इनसे जब रेशे निकलते हैं तो रेशे मोटे होते हैं, खुरदुरे प्रकृति के बनते हैं, यानी कि इनके रेशों को जब जोड़ा जाता है तो रेशों में मोटापन आ जाता है, खुरदुरे हो जाते हैं और वो धागे जो बनते हैं वो भी मोटे और खुरदुरे रहते हैं। इसमें कार्य शीघ्रता से होता है, मशीन से रेशों को खींचकर ऐंठन देकर और उनको आगे बढ़ाया जाता है, और उनको जैसे ही ऐंठन दी जाती है आगे वापस उसको रील पर लपेट दिया जाता है। ये कार्य कई बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी कि एक मिनट के अंदर अगर देखा जाए प्रति 1000 बार ये जो है तंतु घूमते रहते हैं और तेज़ी से इनमें ऐंठन पड़ जाती है, यानी कि एक मिनट में अगर देखा जाए एक मिनट में 1000 के करीब ये तंतु प्रति 1000 बार ये घूमते हैं और घूमते ही इनमें ऐंठन आ जाती है और ऐंठन की वजह से ये धागे में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास में दूसरा जो है वो है म्यूल फ्रेम विधि। म्यूल फ्रेम विधि अगर देखी जाए तो ये सूक्ष्म बारीक और चिकने जो धागे हैं वो बनाने के लिए इस विधि का काम में लिया जाता है। इस विधि में कार्य धीरे धीरे होता है, धीमी गति से ही कताई का कार्य किया जाता है और इनसे जो धागा बनता है म्यूल फ्रेम के माध्यम से जो धागा बनता है वो वस्टेड धागा बनता है। जो धागा बनेगा रेशों के माध्यम से उस धागे का नाम रहेगा वस्टेड धागा। तो ये जो दो विधियाँ हमने पढ़ी रिंग कताई के अंदर, रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम के बारे में, अब हम देखते हैं स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, यानी कि जो यांत्रिक विधि की दूसरी विधि के अंदर आती है। इसमें रेशे को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ के माध्यम से चिपकाया जाता है, जोड़ा जाता है और उसको चिपकाने वाला जब पदार्थ लगाया जाता है तब इसकी कताई भी साथ में की जाती है। कताई करते समय जो पौनियाँ तैयार की जाती हैं उन पौनियों को रोलर्स पर चढ़ाकर एक ही दिशा में घुमाया जाता है, और एक ही दिशा में जब ये रोलर्स पर घूमती हैं तो इसमें बाएं दाएं दोनों प्रकार की जो है इसमें ऐंठन आ जाती हैं और रेशा एक ही दिशा में घूमने पर मजबूत धागे में परिवर्तित हो जाता है। धागा जब बनता है मजबूत होता है, धागे में ऐंठन जो दिखाई देती है एक ही दिशा में होती है, यानी कि स्वयं ऐंठन वाली विधि में मशीन पर चढ़ाया जाएगा, एक ही दिशा में घूमेंगे और मजबूत जो रेशा होगा वो हमें प्राप्त होगा और इसमें जो ऐंठन है वो एक ही दिशा में दिखाई हमको देगी। तीसरी जो विधि आती है हमारे पास में वो है खुली अंतिम कताई विधि। अब अगर इसको देखा जाए तो इस विधि की जो खोज हुई थी, यानी इसका आविष्कार हुआ था 1960 ईस्वी के अंदर, इसकी खोज की गई थी, इसका निर्माण किया गया था। इस विधि में जो वस्त्र बनाने होते हैं वो कंघी कर कताई कार्य के लिए सीधे भेज दिए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वस्त्र उत्तम कोटि के होते हैं, महंगे होते हैं, उनको बनाने के लिए हमेशा कताई प्रक्रिया की जाती है। कताई करने के लिए जब उनको कंघी की प्रक्रिया के माध्यम से ही काम में लिया जाता है, और जिन कपड़ों में वस्त्र बनाने हैं जिनमें कंघी की प्रक्रिया नहीं की जाती है वो निम्न कोटि के वस्त्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे कंघी की प्रक्रिया के माध्यम से निकाल कर रेशों को सीधा समांतर बनाया जाता है और उसके तुरंत बाद कताई का जो कार्य है वो किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए जो खुली अंतिम कताई विधि है, इसमें जो मोटा रुक्ष और खुरदुरा जो धागा है वो बनता है,
साथ ही पोनियाँ तेज चलने वाले रोलर्स से निकलती हैं। अब बहुत ही तेज गति से रोलर्स निकलते हैं, रोलर्स चल रहे होते हैं, उसमें से जब वो पोनियाँ तैयार की गई हैं उनको निकाला जाता है। निकालने से जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं और उनको रेशों को एक कीप नुमा संरचना है, कीप नुमा जो संरचना रहती है इसमें इन पोनियों को डाला जाता है। ये कीप जो है वो तेज़ी से घूमता रहता है, साथ में ही इसके अंदर गर्म हवा भी प्रवाहित की जाती है। जब गर्म हवा इसमें प्रवाहित की जाती है तो और एक ही दिशा में घूमने की वजह से ये पोनियाँ इस वांछित व्यास वाले छिद्र से होकर बाहर निकलती हैं। जब ये बाहर निकलती है तो ये घूमने वाले यंत्र से घुमाव भी दिया जाता है। जैसे ये बाहर है इनको वापस एक ही दिशा में घुमाया गया और घूमने की वजह से इनमें एक निश्चित मात्रा में ऐंठन आ जाती है और जो धागा है वो तैयार हो जाता है। जैसे ही कीप से बाहर आई पोनी को घुमा दिया गया एक ही दिशा में, धागे में परिवर्तित हो गई और यही जो धागा है आगे की ओर एक रील पर चढ़ा दिया जाता है और रील पर चढ़ने की वजह से धागा तैयार हो जाता है। फिर जो तीसरी विधि है हमारे पास, चौथी विधि है, वो है घर्षण विधि द्वारा कताई करना। घर्षण विधि की खोज 1970 ईस्वी के अंदर की गई थी। इस विधि में ऐंठन देने का कार्य किया जाता है। बिना कंघी की गई जो पोनियाँ होती हैं उन पोनियों को एक कार्ड स्लीवर की कताई की जाती है, यानी कि बिना कंघी किए ही सीधे जो रेशे हैं उनको कार्ड स्लीवर पर डालकर कताई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। साथ ही इसमें दो लंबे छिद्र युक्त बेलनाकार नलियाँ रहती हैं जिसमें रेशों को डालकर उनको घुमाया जाता है। जब रेशे आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे ही वो घूम रहे हैं तो उसमें घर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धागे सुंदर निकलते हैं जो इससे वापस घर्षण के बाद जब धागा बाहर आएगा आपस में लिपट जाएगा, घूम जाएगा, ऐंठन आ जाएगी उसमें और जो धागा बनेगा उसमें सुंदर दिखने को मिलेगा, आकर्षक दिखने वाला धागा मिलेगा। लेकिन घर्षण विधि के द्वारा जो धागा तैयार होता है उसमें तनाव सामर्थ्य कम होता है। तनाव सामर्थ्य कम होना यानी कि जल्दी से टूट जाते हैं, जल्दी टूटने के कारण इनके वस्त्र जो हैं वो जल्दी फट जाते हैं, यानी कि इनके वस्त्र की बुनाई भी सघन नहीं हो पाती है। फिर पांचवी विधि हमारे पास में है ऐंठन रहित कताई। ऐंठन रहित कताई में ये होता है कि रेशा एक ही लिया जाता है, उसमें ऐंठन एक ही दिशा में घुमाया जा सकता है या फिर बिना ऐंठन दिए भी उसको कार्य सीधा काम में लिया जा सकता है। लेकिन इसमें जब रेशा होता है उसकी सतह पर एक चिपकाने वाला पर्दा लगाया जाता है ताकि जो रेशा है उसकी मजबूती बढ़ जाती है और वो मजबूत हो जाता है। अब इन रेशों को जोड़कर वस्त्र बनाया जाता है और जब वस्त्र बनाया जाता है तो उसको एक बार के लिए पानी से धोकर जो चिपकने वाला पर्दार्थ है उसको अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनने के बाद धुलाई के द्वारा इस पर से जो चिपकने वाले पर्दार्थ हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है और वस्त्र तैयार हो जाता है। ये हमने पढ़ी पांच विधियाँ। फिर लास्ट हमारे पास विधि आ जाती है बायो कंपोनेंट विधि। बायो कंपोनेंट विधि जो है इसमें बायो कंपोनेंट विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें स्पिनरेट के जो छिद्र रहते हैं उनके अंदर से अगर देखा जाए तो इसमें कताई के लिए जो पॉलीमर होते हैं उनको अलग अलग स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकाला जाता है और जब वो अलग अलग स्पिनरेट के छिद्रों से निकलते हैं उसके पश्चात उन रेशों को खींचकर बल देकर ऐंठन दी जाती है और ऐंठन देने के बाद उनको सीधा लपेट लिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक सारी यांत्रिक कताइयों के बारे में। सबसे पहले पढ़ा था परंपरागत विधि जिसमें तकली और चरखा काम में लिया जाता है। दूसरी विधि थी सामान्य यांत्रिक विधि जिसमें रिंग फ्रेम, हमने रिंग कताई के बारे में पढ़ा। रिंग कताई के अंदर दो विधियां काम में ली जाती हैं, रिंग फ्रेम और रिंग म्यूल फ्रेम। स्वयं ऐंठन वाली कताई जिसमें इसको ऐंठन देकर उसको बनाया जाता है। खुली अंतिम की कताई 1960 में काम में ली गई थी जिसमें कीप में से उसको निकाल कर उसको एक ही दिशा में घुमाया जाता है।
घर्षण विधि में दो बेलनाकार नलियों के अंदर रेशों को घुमाया जाता है, रेशों में घर्षण उत्पन्न होने से ऐंठन भी आ जाती है। ऐंठन रहित जिसमें एक ही रेशे से बनाया जाता है और रेशों पर चिपकाने वाला पर्दा लगाया जाता है। बायो कंपोनेंट जिसमें अलग अलग स्पिनरेट के छिद्रों में से रेशों को निकाला जाता है और रेशों को खींचकर धागे में बदला जाता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि के बारे में। रासायनिक विधि में सबसे पहली जो विधि है वो है आर्द्र कताई। आर्द्र कताई का मतलब यहाँ पर ये है कि जब स्पिनरेट के छिद्रों से वांछित लंबाई के जब रेशे निकाले जाते हैं तो उस समय जब कृत्रिम रेशे तैयार करने होते हैं तो मानव के द्वारा विभिन्न रसायनों के माध्यम से गोल तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे रासायनिक कताई क्या है। तो रासायनिक कताई के लिए विभिन्न केमिकल का उपयोग करके कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं जिसमें एक स्पिनरेट का उपयोग में लिया जाता है, जिसमें से जो गोल बनाया गया है कोलाइड गोल, उस गोल को उस स्पिनरेट के छिद्र में से निकाला जाता है। जैसे ही वो निकलते हैं रेशे हवा के संपर्क में आकर सूखकर कड़े हो जाते हैं। अब ये कार्य चार विधियाँ जो है उसमें अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले विधि हमारे पास आर्द्र कताई। आर्द्र कताई का मतलब ये है कि जब कोलाइड गोल बनाया गया है उस कोलाइड गोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से होकर निकाला जाता है और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आते हैं सूखकर कड़े हो जाते हैं। अब जो रेशे बन चुके हैं उन रेशों को वापस पानी के संपर्क में लाकर नम बनाया जाता है और जैसे ही रेशे में नमी आ जाती है उनको घुमाव देकर ऐंठन दी जाती है और उसे धागा बनाया जाता है। दूसरी जो विधि है हमारे पास में वो है शुष्क विधि, शुष्क कताई। शुष्क कताई का मतलब ये है कि जब रासायनिक कोलाइड गोल को स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है जो छिद्र जो है उसकी बारीकी से रेशे निकलते हैं, यानी कि छिद्रों का जो व्यास होगा उसी के आधार पर रेशे बाहर आएंगे और जैसे ही रेशे बाहर आते हैं तो गर्म हवा या भाप उन रेशों के ऊपर डाली जाती हैं। जैसे ही हवा उसके संपर्क में आती है तो रेशों में से जो वाष्प रहती है वो वाष्प बनकर नमी जो है वो बाहर चली जाती है और रेशे यहाँ पर कड़े होकर सूख जाते हैं। अब जैसे ही रेशे सूख चुके हैं उनको घुमाकर खींचकर ऐंठन दी जाती है और धागा बनाया जाता है। चौथी तीसरी जो विधि है हमारे पास में वो है पिघली कताई। पिघली कताई के बारे में हमने नायलॉन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और उसके अलावा एडिपिक अम्ल जो हैं उनका एक रहते हैं उनको मिलाकर एक गोल तैयार किया जाता है। उस गोल को ऑटोक्लेव के माध्यम से गर्म किया जाता है। जैसे ही उसको गर्म किया जाता है तो वो नायलॉन सॉल्ट जो तैयार हुआ था वो अभी पिघल जाता है और उसमें लीनियर वो इसमें बदल जाता है। अब लीनियर जो प्राप्त हुआ है उसको रिबिन के रूप में बदला जाता है और हवा ठंडा पानी उसके ऊपर डाला जाता है। जैसे ही पानी डाला जाता है तो वो रिबिन के रूप में लीनियर जो है वो जम जाता है और जमने के पश्चात उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। जैसे ही उसको छोटे टुकड़ों में बदला गया वो फ्लेक्स के अंदर बदल जाता है और यही जो फ्लेक्स है उसको वापस गर्म कर कर पिघलाया जाता है। पिघलने के पश्चात जो वापस से घोल तैयार हुआ उसको स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है और स्पिनरेट के छिद्रों में से निकलने के पश्चात बन जाता है और यही रेशा अभी इस प्रक्रिया के पश्चात तैयार हो चुका है। तो आज हमने पढ़ा कताई के प्रकारों के बारे में जिसमें यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई के बारे में पढ़ा। एक बार इसको ज़रूर दोहराइएगा। आज हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है। कल हम बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक सभी को गुड बाय।